बिलासपुर जिले के विकासखंड तखतपुर ग्राम पंचायत डोमनपुर के आश्रित ग्राम जोगीपुर में 20 लाख के तालाब गहरीकरण में भारी अनियमितता बरती गई है। तालाब गहरीकरण के नाम पर जिले में भ्रष्टाचार का ऐसा मामला पहली बार देखा गया। सरपंच सचिव मिलकर जोगीपुर की शासकीय तालाब गहरीकरण के नाम पर दो बार पंचायत प्रस्ताव बनाकर 20 लाख शासन से स्वीकृति कराकर अपने निजी तालाब डोमनपुर के जूना तालाब पैठू गहरीकरण कराया गया। पंचायत प्रतिनिधि सरपंच सचिव द्वारा फर्जी कार्य तब सामने आया जब सरपंच का निजी तालाब में लाखों की गहरीकरण उक्त कार्य एजेंसी द्वारा फर्जी मस्टर रोल तैयार कर रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी फर्जी भुगतान कर सरपंच सचिव की मिली भगत से राशि का बंदरबांट कर 20 लाख निजी कार्य में खपत कर शासन को चकमा देकर हजम कर गई। तालाब गहरीकरण के नाम पर अनियमितता की शिकायत लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए होरीलाल चंद्राकर जगदीश भगत भागवत जायसवाल ग्रामीणों ने बताया, इस गंभीर मामले की शिकायत विगत एक वर्ष से लंबित है। संबंधित विभाग द्वारा आज पर्यंत कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के विरुद्ध इस गंभीर मामले की शिकायत करने तखतपुर राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महेश शर्मा सीईओ हिमांशु गुप्ता से सरपंच सचिव के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने की मांग। ग्राम पंचायत डोमनपुर में शिकायतकर्ता व्यक्ति के माध्यम से मेरे संज्ञान में यह शिकायत आई है कि वहाँ तालाब गहरीकरण के नाम में कुछ भ्रष्टाचार किया गया है, कुछ अनियमितताएं की गई है। वो विषय जो कि काफी गंभीर है, विषय की गंभीरता को ध्यान में प्रदत्त करते हुए मेरे द्वारा आज ही एक जांच टीम का गठन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसडीओ आरएएस ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के जो अधिकारी एसडीओ आरएएस और मेरे तहसीलदार, ये तीन लोग इस समिति में रहेंगे। इसका अपनी जांच करके, स्थल का निरीक्षण करके आवश्यक रिपोर्ट मुझे देंगे। इसके अनुरूप निष्कर्ष के बाद हम लोग कार्रवाई इसमें निश्चित रूप से करेंगे। विरोध दल आपका पैसा पास किए, प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें पैसा सचिव और सरपंच कितना पारित हुआ, कितना निकाले थे पैसा? 20 लाख पास हुआ था। हाँ, और क्या वो काम नहीं हुआ वहाँ? और काम नहीं हुआ। कैसे क्या हुआ फिर, पैसे क्या किए? पैसा गमन कर दिए वो लोग, वहाँ काम ही नहीं कराए। नहीं कराए। क्या बोले एसडीएम सर? एसडीएम सर बोले हैं तत्काल उसको हम जांच पड़ताल करेंगे। की है तखतपुर बिलासपुर।